दोस्तों आज हम लोग कैपिटल गेन के बारे में बातचीत करेंगे। कैपिटल गेन इनकम टैक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेड ऑफ इनकम है। जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इनकम टैक्स में पांच हेड्स ऑफ इनकम्स होते हैं। वन इज सैलरी, द अदर इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, द अदर इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर आता है कैपिटल गेन और लास्ट में आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो आज हम लोग आइए डिस्कस करते हैं कैपिटल गेन। दोस्तों कैपिटल गेन के हेड में इनकम को टैक्सेबल होने के लिए तीन इम्पॉर्टेंट कंडीशंस का फुलफिलमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला जो कंडीशन है वो है कि आपके पास एक कैपिटल एसेट होना चाहिए, यानी कि देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट्स। फिर जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो है कि इस कैपिटल एसेट का आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है कि इस ट्रांसफर की वजह से कोई प्रॉफिट या गेन अराइज करना चाहिए आपके हैंड्स में। प्रॉफिट और गेन मस्ट अराइज। तो प्रॉफिट का मतलब सिर्फ आप लोग पॉजिटिव, यानी कि आप लोग प्रॉफिट ही मत समझिएगा। प्रॉफिट का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा वाइड है। प्रॉफिट इंक्लूड्स नेगेटिव प्रॉफिट आल्सो, यानी कि कैपिटल गेन के ऑपोजिट में आपको कैपिटल लॉस भी हो सकता है। अब हम लोग एक एक करके इन कंडीशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कैपिटल एसेट क्या होता है। तो दोस्तों कैपिटल एसेट, तो सबसे पहले कैपिटल एसेट्स में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इनकम टैक्स में कैपिटल एसेट को का कोई ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, इंक्लूसिव डेफिनेशन नहीं है। तो इनकम टैक्स में एक्चुअली में कैपिटल एसेट को डिफाइन किया गया है एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज अ कैपिटल एसेट एक्सेप्ट अ फ्यू पॉइंट्स, यानी कि कुछ कुछ पॉइंट्स को छोड़ करके, कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारे चीज़ें, ठीक है, वो कैपिटल एसेट है। चाहे वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हो या नहीं, चाहे आप उसको वो टेंजिबल एसेट हो या इनटेंजिबल एसेट हो, चाहे कुछ कोई और कंडीशंस हो, वो सारे प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल, और वेदर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन आर नॉट, इट इज अ कैपिटल एसेट एक्सेप्ट अ वेरी फ्यू पॉइंट्स। तो दोज पॉइंट्स आर एज फॉलोज, थिंग्स विच आर नॉट कैपिटल एसेट्स, ठीक है, तो उन चीजों को छोड़ करके बाकी सब चीज कैपिटल एसेट है। थिंग्स विच आर नॉट कैपिटल। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं कौन कौन सा चीज कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है वो है स्टॉक इन ट्रेड। तो दोस्तों स्टॉक इन ट्रेड यानी कि कोई भी रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स जिसको आप बेचने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के पर्पस के लिए, कंजम्पशन के लिए आपने उसको रखा हुआ है, वो जो स्टॉक है वो एक कैपिटल एसेट लेकिन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्टॉक इन ट्रेड के अलावा सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पर्सनल इफेक्ट। तो दोस्तों पर्सनल इफेक्ट क्या होता है? पर्सनल इफेक्ट वो सारे चीजों को बोला जाता है जो आप पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना ही काफी नहीं है, वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। हाँ दोस्तों वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। अगर वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वो आपका लेकिन पर्सनल इफेक्ट नहीं कहलाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इट मस्ट बी
यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस और सेकंड है कि इट मस्ट बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इस पॉइंट को लेकर के। जैसे कि सपोज करिए कि आपका कोई पर्सनल कार है, ठीक है, आपने ये पर्सनल कार आपने बेच दिया और आपको प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट लेकिन कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल कार एक मूवेबल प्रॉपर्टी है दोस्तों। आप कार को मूव करा सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी होने के नाते ये पर्सनल इफेक्ट हो जाता है। पर्सनल इफेक्ट हो जाने की वजह से इसको बेचने के बाद जो प्रॉफिट या गेन आपको अराइज करेगा वो कोई कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं आएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये रूरल एग्रीकल्चरल लैंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों बातों पर ये स्ट्रेस दिया गया है कि ये लैंड जो है वो रूरल भी होना चाहिए और उसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए इस्तेमाल भी होना जरूरी है। तो रूरल मतलब क्या हो गया? रूरल लैंड को इनकम टैक्स में डिफाइन किया हुआ है, वन विच इज नॉट विद इन द म्यूनिसिपल एरिया ऑफ एनी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है 6 किलोमीटर्स, वो 6 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंतर्गत जो नहीं आता है उसको हम लोग रूरल लैंड बोलेंगे, और उस रूरल लैंड लैंड ही नहीं बल्कि उसको एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाकर के ये पर्सनल इफेक्ट के अंतर्गत सॉरी ये कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन से ये बाहर निकलेगा। यानी कि अगर आप कोई रूरल एग्रीकल्चरल लैंड आप बेचते हो तो आपको कोई भी कैपिटल गेन पेमेंट करने का जरूरत नहीं है, कोई भी कैपिटल गेन टैक्स आपको देने का जरूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि कोई भी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स ये आपका कैपिटल एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। यानी कि इन बॉन्ड्स को, ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स है दोस्तों, इन बॉन्ड्स को अगर आप परचेज करते हो और बाद में आप इसको सेल करते हो तो ये कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन से ये बाहर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैपिटल एसेट्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। दोस्तों कैपिटल एसेट्स मेनली इनकम टैक्स में दो ही तरह के होते हैं, वन इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड द अदर इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल। वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से एकदम कंप्लीटली ऑपोजिट है। लॉन्ग टर्म जो एसेट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, जाहिर सी बात है वो लॉन्ग टर्म नहीं होगा, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा वो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों को इसके बारे में डिस्कस करना है, तो एक जनरल रूल है दोस्तों, कभी कभी एक इसका कुछ कुछ पॉइंट्स में इसका एक्सेप्शन भी है। तो जनरल रूल ये है कि कोई भी एसेट जो कि अप टू 36 मंथ्स आप उसको होल्ड कर रहे हो तो वो आपके लिए बन जाता है, मतलब अगर आप अप टू 36 मंथ्स आप उसको होल्ड करते हो तो वो बन जाता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन मोर देन 36 मंथ्स आप किसी चीज को यूज करोगे तो वो हो जाएगा आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो 36 मंथ्स या 36 मंथ से कम आप किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हो, उसको होल्ड कर रहे हो जब से आपने उसको एक्वायर किया, तो वो आपके लिए शॉर्ट टर्म है।
और 36 मंथ से ज्यादा जैसे ही हो जाएगा तो वो हो जाएगा एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बेचने से अगर कोई प्रॉफिट या गेन अराइज करता है, इट इज डीम्ड टू बी अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यानी कि दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग, देर आर, यहां से एक चीज और पता चल रहा है कि दो तरह के कैपिटल गेन होंगे, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स के बेचने के वजह से अराइज करता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के बेचने की वजह से अराइज करता है। अब से दोस्तों हम लोग ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एसटीसीजी बुलाएंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एलटीसीजी बुलाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम लोग डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफर किसको बोला जाएगा। ट्रांसफर किसको बोला जाएगा दोस्तों? तो इनकम टैक्स में ट्रांसफर को डिफाइन किया गया ऐसे कि एनी सेल एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी कैपिटल एसेट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफर। सेल एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट। तो दोस्तों सेल का मतलब तो डेफिनेटली क्लियर होगा, ओनरशिप का ट्रांसफर होना। जब कोई सेलर बायर को कोई भी कैपिटल एसेट का ओनरशिप ट्रांसफर कर देता है तो उसको हम लोग सेल बोलते हैं। एक्सचेंज में क्या होता है, आप मेरे को कोई कैपिटल एसेट दिया, बदले में मैंने आपको कोई कैपिटल एसेट दिया, वो हो गया एक्सचेंज। रिलिंक्विशमेंट का मतलब क्या होता है, त्याग देना। ठीक है, रिलिंक्विशमेंट मतलब छोड़ देना या त्याग कर देना। कोई भी कैपिटल एसेट को आप अगर त्याग कर देते हो, छोड़ देते हो, तो वो भी एक तरह का ट्रांसफर होता है दोस्तों। तो इसके बाद जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन। मतलब कैपिटल एसेट से रिलेटेड अगर आपका कोई अधिकार है, कोई राइट है, और आप उसको छोड़ देते हो, त्याग कर देते हो, तो वो एक तरह का एक्सटिंग्विशमेंट है। और इस एक्सटिंग्विशमेंट के जरिए इसको हम लोग ट्रांसफर के डेफिनेशन में हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा केस लॉ है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में एक वानिया सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का एक केस था जिसमें कैपिटल एसेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो कैपिटल एसेट में आग लग जाने की वजह से क्या होता था वहां पे, मतलब वो कैपिटल एसेट जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता था और इंश्योरेंस कंपनी वानिया सिल्क मिल्स को कुछ इंश्योरेंस कंपनसेशन वो देता था। तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसके ऊपर केस कर दिया। उसको बोला गया कि तुम यहाँ पे कैपिटल गेन दो। तो मतलब कंपनी कंपनी का कहना था कि क्यों हमको क्यों कैपिटल गेन देना पड़ेगा, इस पे तो कैपिटल गेन नहीं लगना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि नहीं, ये तुम्हारा एक तरह का एक्सटिंग्विशमेंट है, तुमने तुम्हारा जो अधिकार था कैपिटल एसेट के ऊपर वो आग लगने की वजह से वो क्या हो जा रहा है, वो बर्बाद हो जा रहा है, वो नष्ट हो जा रहा है। तो तुमको जो कंपनसेशन मिल रहा है वो एक तरह का हम लोग उसको सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। तो अब होता क्या था, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट का ये मतलब नहीं है कि एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द कैपिटल एसेट इटसेल्फ। मतलब अगर कैपिटल एसेट फिजिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है
तो जाहिर सी बात है उससे रिलेटेड राइट तो ऑटोमेटिकली आपका चला ही गया। तो दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट का ये मतलब ना निकाला जाए कि एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द फिजिकल एसेट इटसेल्फ। लेकिन दोस्तों बाद में सेक्शन 45(1)(a) में जबरदस्त अमेंडमेंट आया और उस अमेंडमेंट के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये तय किया कि मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जबरदस्त पावर दे दिया गया कि वहां पे बोला गया कि कोई भी अगर इंश्योरेंस कराया हुआ कोई कैपिटल एसेट आपका होता है और वो कुछ स्पेसिफाइड रीजंस के वजह से अगर डैमेज या डिस्ट्रॉय होता है तो इन दैट केस उस डैमेज या डिस्ट्रक्शन को एक्सटिंग्विशमेंट माना जाएगा और उसको इस तरह का ट्रांसफर को इस तरह का सिचुएशन को एक तरह का ट्रांसफर माना जाएगा और जो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपेंसेशन दिया देगा उसको मान लिया जाएगा कि वो एक तरह का सेल कंसिडरेशन है। तो दोस्तों ये एक अमेंडमेंट है सेक्शन 45(1)(a) हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेल एक्सचेंज के बाद एक्सटिंग्विशमेंट के बाद दैट इज सपोज करिए कि आपका कोई कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ट्रांसफर ट्रांसफर रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। दोस्तों इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉइंट आता है वो है कि अगर मान लीजिए कि कोई स्टॉक इन ट्रेड को कोई कोई स्टॉक कोई कैपिटल एसेट को आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया तो उस कन्वर्शन को भी यहाँ पे इनकम टैक्स में ट्रांसफर मान लिया जाएगा। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड एज कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है दोस्तों? ये ऐसे बॉन्ड्स होते हैं ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो कि कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इसको इश्यू करती है और इस तरह के बॉन्ड के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बॉन्ड कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इसका नाम जीरो कूपन डाला गया है। कूपन वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरेस्ट अगर मिलेगा ही नहीं तो बॉन्ड होल्डर को फिर फायदा क्या होगा? तो दोस्तों ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना ये जबरदस्त डिस्काउंट में इशू किया जाता है। सपोज इसका फेस वैल्यू 100 रुपीज है तो इसको इशू किया जाएगा से 70 या 60 रुपीज में और जब रिडीम होगा ना ये बॉन्ड्स तो ये बॉन्ड्स रिडीम होंगे पूरे फेस वैल्यू पर यानी कि पार वैल्यू पर। तो आपको फायदा हुआ आपने उसको परचेज किया 70 रुपया में और आपका जब रिडेम्पशन हुआ तो कंपनी की तरफ से आपको दिया गया 100 रुपया तो आपको फायदा हो रहा है यहाँ पे पूरे पूरे 40 रुपया का पर बॉन्ड। तो ये कंपनी का एक तरह का स्ट्रेटेजी होता है कि डायरेक्टली आप इंटरेस्ट नहीं दे करके थ्रू डिस्काउंट्स आप इंटरेस्ट को हैंडओवर करो अपने कस्टमर को। तो ये जो जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं इनका जो मैच्योरिटी होता है ना ये मैच्योरिटी को भी हम लोग कंसिडर कर लेंगे। तो मैच्योरिटी ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो ट्रांसफर के डेफिनेशन में आ रहा है सेल एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट।
एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयर इन, तीसरा होता है ट्रांसफर रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके बाद आता है आपका कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, और उसके बाद आता है आपका मैच्योरिटी ऑफ अ जीरो कूपन बॉन्ड। तो दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। How to calculate short term capital gain? तो दोस्तों short term capital gain को calculate करने के लिए एक format दिया गया है, तो ये format सभी तरह के short term capital assets के लिए applicable है, लेकिन दोस्तों ये जो फॉर्मेट है आप काइंडली इसको डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट्स के लिए ये फॉर्मेट यूज मत करिएगा। डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट्स के लिए कंप्लीटली डिफरेंट नियम है, ठीक है? तो ये जो रूल मैं बताने जा रहा हूं ये सभी तरह के सिचुएशंस में एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ डेप्रिशिएबल कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म के केस में भी एक्सेप्शन रहेगा और शॉर्ट टर्म के लिए भी सेम एक्सेप्शन रहेगा। तो जो जनरल रूल है वो ये है कि आप इस तरीके से एक फॉर्मेट बनाइएगा पर्टिकुलर्स, और इधर रहेगा आपका अमाउंट, पर्टिकुलर्स में आप लिख सकते हो ऐसे, सबसे पहले सेल कंसिडरेशन, आप सेल कंसिडरेशन भी लिख सकते हो या फिर आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी लिख सकते हो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी लिख सकते हो। दोस्तों सेल कंसिडरेशन का मतलब तो आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, सेल कंसिडरेशन का मतलब कैपिटल एसेट को आपने जिस दाम पे बेचा, तो ये आप सेल कंसिडरेशन आप लिखो। इसके बाद आप यहां से लेस करो एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर। तो दोस्तों एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर का मतलब सेल करने के चलते जो जो एक्सपेंसेस अराइज कर रहा है उन एक्सपेंसेस को यहां पे एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर बोला जाएगा। तो यहां पे मेनली जो एक्सपेंसेस को कंसीडर किया जाता है वो है ब्रोकरेज या फिर कमीशन। तो सेल कंसीडरेशन में से आप एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर यानी कि ब्रोकरेज और कमीशन जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सेलिंग द कैपिटल एसेट उसको आप माइनस करो। माइनस करने के बाद आपके पास जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट सेल कंसिडरेशन। दोस्तों इस नेट सेल कंसिडरेशन में से आपको दो चीज डिडक्ट करना होगा। सबसे पहला चीज है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दोस्तों ये भारी भरकम वर्ड है लेकिन इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब परचेज प्राइस, मतलब आपने एसेट्स को कैपिटल एसेट को जिस दाम पे आपने खरीदा, और इस परचेज प्राइस के साथ वो सारे एक्सपेंसेस जुड़ जाएगा दोस्तों जो आपने एसेट को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए और अपने पास तक अपने पास उसको रखने के लिए आपने जो जो लाने के लिए जो जो खर्चा आपने किया उठाया वो हो जाएगा आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि आपने कोई कैपिटल एसेट खरीदा, आप दिल्ली में हो, आप बैंगलोर से उस एसेट को खरीद रहे हो, वो एसेट का दाम आपको 1000 रुपीज पड़ा, ठीक है? और अब बैंगलोर से आपको उसको दिल्ली लेकर के आना है, उसके लिए आपको फ्रेट पेमेंट करना पड़ा, से 300 रुपये आपको फ्रेट पेमेंट करना पड़ा, और उस एसेट को अपने फैक्ट्री में लाने के बाद आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ा 200 रुपये में। तो दोस्तों टोटल मिलाकर के आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा यहाँ पे 1000 प्लस 300 उसका जो फ्रेट है प्लस 200 उसका जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है।
तो सब मिला जुला करके आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1500 रुपए। यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वो सारे खर्चों को ऐड कर दिया जाएगा जो खर्चे आपको एसेट्स को अपने पास लाने के लिए आपको करना पड़ा, चाहे वो परचेज प्राइस हो, चाहे वो फ्रेट हो, चाहे वो इंस्टॉलेशन का एक्सपेंसेस हो। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने के बाद आपको एक और चीज आपको यहां से लेस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। दोस्तों इंप्रूवमेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा एक्सपेंडिचर है। ये कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट बेसिकली एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि अगर आप एसेट्स में कोई एडिशंस कर रहे हो, ध्यान से सुनना दोस्तों, एसेट्स में एडिशंस होगा तभी इंप्रूवमेंट माना जाएगा। सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक मकान है और वो मकान एक तल्ला मकान है, आप उसको एक सेकेंड फ्लोर आपने उसमें कंस्ट्रक्ट कराया, नेक्स्ट फ्लोर आपने कंस्ट्रक्ट कराया, तो एक तल्ला मकान दो तल्ला मकान में कन्वर्ट हुआ, ये एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा। सेकेंड सेकेंड वाला फ्लोर कंस्ट्रक्ट करने में आपको जो खर्चा लगा वो एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कहलाएगा, ठीक है? तो आपको ये इंप्रूवमेंट का जो खर्चा है उसको भी आपको लेस करना पड़ेगा दोस्तों। ये डे टू डे ऑकरिंग एक्सपेंसेस, लेकिन हम लोग इसको इंप्रूवमेंट नहीं मानते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक सोने का गोल्ड का अंगूठी है, आप इस अंगूठी को, ये थोड़ा सा पुराना हो गया था तो आपने इसको इसमें पॉलिश कराया, ठीक है? तो पॉलिश करा करके शाइन कराया तो इसमें आपको कुछ खर्चा हुआ, ये लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये एक साधारण सा खर्चा है, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मानना पड़ेगा। तो इसके बाद इन दोनों चीजों को माइनस करने के बाद हमारे पास बचता है एसटीसीजी, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। दोस्तों जाहिर सी बात है कि अगर मान लीजिए कि शॉर्ट, ये जो सेल कंसिडरेशन है और एक्सपेंसेस और ट्रांसफर माइनस करने के बाद मान लीजिए नेट सेल कंसिडरेशन कम आया और ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ज्यादा ज्यादा है, तो इन दैट केस ये एसटीसीजी जो है ये आपका नेगेटिव आने वाला है, और नेगेटिव एसटीसीजी इंडिकेट्स शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब हम लोग अगले क्लास में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन हो पाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के जरिए आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से हम लोग सारा कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बहुत ध्यान रखिएगा अपना। ओके बाय।